اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما السلام عليكم ورحمه الله وبركاته I hope you all are in the best condition of faith and health. Welcome to my YouTube channel.

तीनों बोर्ड्स में कोई फर्क नहीं है सबके कोर्स सब सबके कोर्स सब आउटलाइन सब कुछ मिलता जुलता है बस कॉन्सेप्ट लाइक कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर राइट आगा और फेडरल में क्या है कि कॉन्सेप्ट होता है लाइक like इफ अगर मेरी कोई मैथ से रिलेटेड लाइक like मैं कोई वर्क करवा रही हूँ लाइक like मेरा टॉपिक है रियल नंबर वो बोलते हैं वॉट इज द रियल लाइफ एग्जाम्पल मतलब रियल एप्लीकेशन इसकी क्या है मतलब हम रियल नंबर कहाँ यूज करते हैं सिन बोर्ड में ऐसा नहीं है बट हम सिन बोर्ड की भी बच्चों को अब तना और अकेला नहीं छोड़ने वाले हम उनके भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे और इसके लिए आपने मेरे साथ जुड़े रहना है बने रहना है कमेंट्स बॉक्स में आपने मुझे कमेंट्स करके बताना है अगर आपको कोई टॉपिक कोई एक्सरसाइज मुझसे सॉल्व करवाना है या कोई डेफिनेशन आपको नहीं आती या आपको थोड़ा सा भी कोई भी किसी भी चीज़ पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं इन जब आपका मुझे आप मेरे साथ कॉपरेट करेंगे और आपके कमेंट्स आएंगे आप लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे और मेरी वीडियो को एंड तक देखेंगे तो इनशाला फिर मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर भी दूंगी मैं आपको ऑनलाइन ट्यूशन्स भी दे सकती हूँ एग्जाम्स वग़ैरह में किस तरीके से तैयारी करना चाहिए मिस क्या समझ में नहीं आ रहा चाहे वो आगा ख़ान बोर्ड हो फेडरल बोर्ड हो वॉट एवर वो सिन बोर्ड हो और सिन बोर्ड यहाँ पे मैं थ्री बोर्ड्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं अलहमदिल्ला मैं आपको जो है सब बताऊंगी फिजिक्स केमेस्ट्री मैथ्स लाइक इंग्लिश उर्दू इस्लामियत ऑल सब्जेक्ट बट यहाँ पर मैंने जो अभी सिलेक्ट किया है वो मैंने सिलेक्ट किया है मैथ्स अब मैथ्स मैंने क्यों सिलेक्ट किया है मैथ्स मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है बच्चे डरते हैं टीचर मैथ्स नहीं आ रही टीचरों में मैथ्स में प्रॉब्लम होती है अरे बच्चों मैथ्स इज नॉट अ रॉकेट साइंस मैथ्स तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है मुझे तो मैथ सॉल्व करने में बहुत मजा आता है और बहुत जल्दी समझ में आ जाता है और मैथ्स वाले तो प्रॉब्लम सोल्वर होते हैं अब अगर आपको डू यू थिंक दैट कि अगर आपको मैथ्स सॉल्व करना नहीं आई तो फिर आप लाइफ में प्रॉब्लम सोल्वर कैसे बनेंगे तो मैथ्स वाले अक्सर क्या होते हैं प्रॉब्लम सोल्वर होते हैं अपनी प्रॉब्लम नहीं बताते बट दूसरों की जल्दी सॉल्व कर देते हैं क्योंकि एक्सरसाइज तो हमें यही बता रही होती है ना बस जल्दी से सॉल्व करें जल्दी से सॉल्व करें ओके okay, खैर ये बातें तो इन आप लोग से होती रहेंगी और बहुत मज़ा आएगा हम मिल के पढ़ेंगे और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा सद जारिया समझ के क्योंकि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए ना फिर ताकि अल्लाह ताला हमारी मदद करें राइट अच्छा यहाँ पे मेरा मैथ्स का टॉपिक है सबसे पहले मैं आपको एक बात बताती चलूँ मैं यहाँ पे आपको पूरी कंप्लीट बुक ये भी पढ़ाऊंगी क्योंकि ये फेडरल और आगा खान बोर्ड की बुक है ठीक है और एज़ यू नो वेरी वेल ये जो बुक है ये हमारी सिन बोर्ड की बुक है और बहुत ज़बरदस्त हमारा सिन बोर्ड का सिलेबस हो गया है तो इसलिए अब हम सिन बोर्ड को भी कुछ नहीं कह सकते सिन बोर्ड में भी काफ़ी सारे हमारे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं राइट अच्छा यहाँ पर अब मैं बात कर रही हूँ किसकी रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर वॉट इज रियल नंबर डू यू नो वॉट इज रियल नंबर क्या है भाई रियल नंबर कोई मुझे बताएगा रियल नंबर क्या है बेसिकली ऑल द वैल्यू ऑल द वैल्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर ये तो हमें पता नहीं है है ना क्या है जितनी भी वैल्यूज हैं लाइक वन टू थ्री लाइक डेसीमल जितनी भी वैल्यूज होती हैं हमारे पास दे आर बिलोंग्स टू रियल नंबर कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर भी मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी पहले मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको रियल नंबर के बारे में बताना चाहती हूँ रियल नंबर रेशनल एंड इेशनल कैन बी डिफाइंड टूगेदर यानी कि जब आपस में रैशनल और इेशनल को डिफाइन किया जाता है तो वो क्या है होते हैं हमारे पास रियल नंबर्स में दे कैन बी पॉजिटिव लाइक बोथ दोनों दे कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ओके okay, अब रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर आपको पता है हम रियल लाइफ एप्लीकेशन मतलब रेगुलर रूटीन में जो है हम जो है रियल नंबर से जो है हम जुड़े हुए हैं जैसे सुबह होती है और रात हो जाती है फिर तो हमारी लाइफ में रियल नंबर ही मतलब मौजूद होते हैं और ये हम रिकग्नाइज ही नहीं कर पाते कि रियल नंबर कैसे यूज़ हो रहे हैं नाउ अच्छा आप इसका जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ये मैंने बहुत मेहनत से आप लोग के लिए नोट्स बनाए और मैं आपके लिए एक यहाँ पे सरप्राइज भी है कि हु इज द किंग ऑफ नंबर एंड हु इज द किंग ऑफ सब्जेक्ट डू यू नो इनशाला आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी अच्छा रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या होती है भाई रियल लाइफ एप्लीकेशन हमारे पास होती है फॉर मेजरिंग एयर स्पीड रेनफॉल एंड डिस्टेंस के बारे में हम ये देखिए यहाँ पे ये सब बता रहे होते हैं इन इंश्योरेंस पॉलिसी आप देख लें इंश्योरेंस पॉलिसी डे बाय डे लोग कर रहे होते हैं इन मेडिकल इंस्ट्रूमेंट एंड चेकिंग हार्ट बीट रेट फॉर मेजरिंग वेलोसिटी एंड एक्सलेशन तो दे आर बिलोंग टू रियल लाइफ एप्लीकेशन नाउस व्हाट हु इज द किंग ऑफ सब्जेक्ट डू यू नो मैथ इज द किंग ऑफ सब्जेक्ट क्योंकि मैथ्स के बगैर तो हमारी लाइफ है ही नहीं ना अच्छा हु इज द किंग ऑफ नंबर Who? Who is the king of number? Zero is the king of number. Let me tell you one thing. Why? How? Zero is a zero is the king of subject. कैसे कैसे यहाँ मेरे साथ जुड़े रहिए बने रहिए और मुझे देखते रहिए और मेरी आवाज़ को सुनते रहिए कैसे zero हमारे पास king of the subject सब्जेक्ट one लिखा अच्छा नहीं लग रहा ना one है Zero लगा दिया क्या हो गया Ten. फिर मैंने अगेन add करा Hundred. फिर थाउजेंड वट आफ्टर दैट ओ माई गॉड ओमाई गॉड ओ माई गॉड ओ माई गॉट जीरो कितनी वर्ड थे भाई वाओ अगर एक डिजिट के साथ हमारे पास इतने जीरो लग जाए सोचें हमारी जिंदगी अह क्या हो जाएगी ना सो जीरो इज द किंग ऑफ सब्जेक्ट ओके एक और क्वेश्चन है इज जीरो इज अ रियल नंबर ऑफकोर्स जीरो इज एन ए रियल नंबर कैसे ये भी आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं यस जीरो इज अ रियल नंबर एंड लाइ इन दिडल ऑफ दैसे जब भी हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं ग्राफ बना रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या सिलेक्ट कर रहे होते हैं जीरो भाई आ गया जीरो कॉमर जीरो तो जीरो इज अ रियल नंबर ये ब्लैंक्स में आता है अच्छा यहाँ पर मैं आपको ब्लैंक्स भी बताऊंगी एम सी क्यूज भी बताऊंगी एग्जाम में जो क्वेश्चन वगैरह आते हैं और किस तरीके से हमें सोल्व करना चाहिए लाइक पेपर कैसे सोल्व करना चाहिए मैथ्स का वो भी मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगी पूरा मैं आपको सॉल्व करके पेपर बताऊंगी इंशाल्लाह जब आप लोग के पेपर्स आएंगे चाहे वो फेडरल बोर्ड हो चाहे वो सिंध बोर्ड हो चाहे वो आगा खान के आगा खान वाले बच्चे क्यों ना हो ठीक यहाँ मैं आपको सब कुछ बताऊंगी ठीक अच्छा अब क्या है यहाँ पर अब हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रियल नंबर बेसिकली क्या टाइप्स होती हैं टू टाइप्स वॉट रैशनल नंबर एंड इ नंबर रैशनल नंबर हमारे पास क्या है भाई लेट मी टेल यू वट वट इज़ रैशनल नंबर रेशनल नंबर क्या अच्छा आपको पता है कि ये जो इंटीजर्स हैं इवेंट नंबर ऑड नंबर होल नंबर नेचुरल नंबर प्राइम नंबर दे आर बिलोंगस टू मतलब ये सब ताल्लुक रखते हैं किस में रैशनल नंबर पर कैसे लेट मी टेल यू वन थिंग क्या होते हैं रैशनल नंबर रेशनल नंबर को सबसे पहले हमने क्यू से डिनोट कर दिया ठीक है क्या हो जाएगा x such that x which is equals to हाँ जी रेशनल नंबर क्या अच्छा रेशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू से क्यू इज इक्वस टू क्या हो जाएगा एक्स सच that ये जो ये ये जो स्टैंपल होता है ना ये किसका होता है सच that एक्स विच इज equals टू ए अपाउन बी और क्या कह रहे हैं है हमारे पास वेयर वियर ए एंड बी बिलोंग्स टू इंटीजर्स यानी कि ए और बी किस में बिलोंग्स करें इंटीजर्स में अब इसका क्या मतलब है कि ए और बी इक्वल होना चाहिए इसका मतलब ये जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ए की जगह मैं टू अपॉन्ड फोर ले लूँ टू वन जो टू 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 ज़ा फोर हो गया अब मैं इसको डिवाइड कर दूँ वन और टू ज़ीरो क्या आ जाएगा टू फाइव जो टेन तो देखिए रिमाइंडर हमारे पास क्या गया? जीरो आ गया रिमाइंडर ज़ीरो आ गया ख़त्म हो गया तो ये क्या है ये हमारे पास रैशनल नंबर होगा अब आप कहेंगे टीचर ये तो पॉइंट में तो ये तो ये रैशनल होना चाहिए ये रैशनल नंबर क्यों है ये रैशनल नंबर इसलिए क्योंकि ये वैनिश हो चुका है ठीक ये पूरा सॉल्व हो चुका है इस वजह से ये क्या है ये रैशनल नंबर है और इसके पास लाइक कंटी कंटिन्यूसली वैल्यू नहीं आ रही ना रिपीटेशन वगैरह हो रही है ठीक तो इस वजह से ये क्या है ये रैशनल नंबर है क्यों क्योंकि ये सॉल्व हो चुका है तो दैट्स वाई वी हैव टू कॉल दिस इज कॉल्ड रैशनल नंबर राइट अच्छा अब यहाँ पे देखें रैशनल नंबर पे क्या है इंटीजर्स इवन नंबर ऑड नंबर होल नंबर नेचुरल नंबर एंड प्राइम नंबर दे आर बिलोंग्स टू रैशनल नंबर राइट अच्छा सबसे अच्छे हमारे पास क्या लगते हैं अच्छा ये क्वेश्चन आता है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन होल नंबर एंड नेचुरल नंबर सो हमेशा याद रखें होल नंबर विल बी स्टार्ट जीरो एंड नेचुरल नंबर विल बी स्टार्ट वन प्राइम नंबर बच्चों को अक्सर प्राइम नंबर में प्रॉब्लम होती है प्राइम नंबर हमारे पास क्या होता है टू थ्री फाइव यानी कि आप सिंपल इज़ दैट आप ऐसे याद करें मैं तो ऐसे पढ़ती थी प्राइम नंबर वो हैं जो अपने काम से काम रखते हैं लाइक टू थ्री फाइव सेवन इलेवन ये सब अपने टेबल में ही आते हैं ना लाइक like अपने काम से काम रखते हैं किसी के मामले में दखल अंदाजी या इंटरफेरेंस नहीं करते हैं. अब आ जाते हैं इरेशनल अब इरेशनल में क्या है क्योंकि रैशनल और इेशनल यहां पे क्या है रियल नंबर क्या है रेशनल एंड इेशनल नंबर कैन बी डिफाइंड टुगेदर एज रियल नंबर अब इेशनल क्या है इ रैशनल को सबसे पहले हम डिनोट करते हैं क्यू डैश से क्यू डैश से हमने इसको डिनोट करा और क्या है एक्स सच देट एक्स विच इज नॉट इक्वल टू ए अपॉन बी कैसे वेयर क्या कह रहे हैं वेयर ए बी बिलोंग्स टू इन टीचर एंड क्या कह रहे हैं भाई हमारे पास b इज नॉट इक्वल टू जीरो b जो है जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए कैसे फॉर एग्जाम्पल वन अपॉन अंडर रूट थ्री जैसे वन अपॉन अंडर रूट थ्री हमारे पास क्या होगा इेशनल होगा कैसे लुक वन वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट थ्री ये देखिए क्या आ रही है वैल्यू वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट थ्री ठीक है ये देखें पॉइंट क्या आ गया आंसर पॉइंट फाइव सेवन थ्री फाइव जीरो टू सिक्स ये देखें वैल्यू कंटिन्यूसली आ रही है ये देखें डिफरेंट हैं तो ये हमारे पास वैल्यू कलाएंगी इरेशनल नंबर राइट अब वन अपॉन अंडर रूट टू है ठीक है ये भी हमारे पास क्या होगा ये भी क्या होगा इरेशनल होगा ठीक है लाइक देखें कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर कॉन्सेप्ट आपके क्या होना चाहिए कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर ठीक तो ये कहलाते हैं हमारे पास क्या इेशनल नंबर्स ठीक है नाउ अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं आई होप कि आपको रैशनल और इ का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा क्या कह रहे हैं अब यहाँ पे देखें सिन बोर्ड की बुके ये एक्सरसाइज वन पॉइंट वन वॉट आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल एंड इ नंबर एंड ऑल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम में आपने बताना लाइक वन अपॉइंट फाइव अंडर रूट एट मतलब ये क्या इनमें विच वन इज द रैशनल और इेशनल आप जल्दी से बताए वन अपॉइंट फाइव वन अपॉइंट फाइव हमारे पास क्या है रैशनल है या इेशनल है कैसे वन डिवाइडेड बाय फाइव ये देखें ये क्या है हमारे पास ये हमारे पास क्या है रैशनल है कैसे पॉइंट टू आया है पॉइंट टू आंसर आया है ना ठीक तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ये हमारे पास क्या है रैशनल है ठीक अच्छा जी अब आ गया क्या अंडर रूट टू डिवाइडेड बाय एट ये हमारे पास क्या है एट ये हमारे पास क्या है ये हमारे पास क्या है ये इरेशनल है राइट आ गई बात समझ में आंसर क्या आ रहा है अंडर रूट टू डिवाइडेड by एट ये देखिए क्या है पॉइंट वन सेवन सिक्स सेवन सेवन सिक्स नाइन फाइव चलता जा रहा है ना ये तो ये हमारे पास क्या है ये हमारे पास है इ रेशनल राइट अब इसी तरीके से आ जाए फाइव डिवाइडेड बाय फाइव डिवाइडेड बाय अंडर रूट सिक्स सो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा ये देखें ये भी हमारे पास क्या है इेशनल है अब इसी तरीके से टू अपॉउंड एट आ रहा है टू डिवाइडेड बाय टू हमारे पास क्या रहा है डिवाइडेड बाय एट तो ये क्या है हमारे पास वन अपॉइंट फोर कि पॉइंट टू फाइव ये हमारे पास क्या है ये इैशन ये रैशनल है यानी कि पॉइंट टू फाइव ये हमारे पास क्या है इेशनल के देखें डेसिमल like, के बाद लाइक पॉइंट्स के बाद टू वैल्यूज़ है ना तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे इ और जब वैल्यूज अप टू सो ऑन ये लाइक like, कंटिन्यूसली चलती जाएगी तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा रैशनल अच्छा अब आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर पाई आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि पाई का आंसर क्या आएगा पाई इज़ अ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर और वन अपॉन पाई रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर ये आपका क्या है ये होमवर्क है आपका आपने मुझे बताना है क्या होमवर्क है आपका कि ज़ीरो और आपने ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है ज़ीरो इज रैशनल uh, नंबर और इ रैशनल नंबर आपका ये होमवर्क है आपने मुझे जीरो के बारे में बताना है कि जीरो हमारे पास क्या है कमेंट्स बॉक्स ने में आपने मुझे इसका जवाब देना होगा ठीक तो ये आपका क्या है ये होमवर्क है राइट right?